नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं टी न्यूज केवल सच। समस्तीपुर के लोग आज पिछले दो महीने से जल जमाव की समस्या से परेशान हैं और उनके दुख दर्द को समझने बूझने वाला कोई नहीं। लोग अपने एमपी साहब और एमएलए साहब को खोज रहे हैं। कारण, समस्तीपुर जिला प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक चुकी है। जल जमाव से परेशान समस्तीपुर की जनता, आखिर यहाँ के एमपी एमएलए का कोई दायित्व है या नहीं? समस्तीपुर शहर का वह कौन सा गली व मोहल्ला है जहां जल जमाव नहीं है? चलिए हम आपको जल जमाव के संकट से जूझती जनता का हाल दिखाते हैं। पड़ता है और सूज हाथ में लेकर करके हाफ किलोमीटर रोड पर जाता हूं तो चप्पल खोल करके सूज पहनता हूं, फिर अपने ड्यूटी पर जाता हूं। आप समझ सकते हैं कि मेरी अंतरात्मा मतलब कितना दुख पहुँचाती होगी कि मैं जूता हाथ में लेकर करके जाता हूँ और ये हाल आज डेढ़ महीने से है। ये वर्षा का पानी सड़क पर जब से साइक्लोन आया था उसी वक्त से लगना शुरू हो गया था। इस पर ना अख्तरुल इस्लाम को कोई फिक्र है, ना रामनाथ ठाकुर जी को कोई फिक्र है। अच्छा, और ना ये प्रिंस राज जी को कोई फिक्र, किसी को कोई मतलब नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मतलब नहीं है, जिला प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी को कोई मतलब नहीं है। ये जो समस्तीपुर विधानसभा में आता है और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में भी आता है, यहाँ के सांसद विधायक के द्वारा कुछ किया गया है या नहीं, ये बताइए। अभी तक कोई आदमी यहाँ नहीं आए हैं इन लोगों को देखने के लिए, या क्षेत्र में भी, शहर में भी, जैसा आप देखते होंगे ये कुंभकर्ण नींद में सोए हुए लोग, जिनको लोगों ने बड़ी आशा से और अहम मतलब विश्वास के साथ ये गरीब लोग, जितने लोग गरबा ने जिताया जिस बात के लिए, आज ये स्थितियाँ हैं कि इन किन्हीं लोगों को, एक क्या पूरा गांव का गांव नहीं, शहर को भी देखने वाला कोई नहीं है। लोग विलाप कर रहे हैं, लोग विषम परिस्थिति में है, लोग त्राही माम में है। अब इतनी स्थितियाँ खराब है कि हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं इस पानी के कारण। बंद करना ना, पेट्रोल बड़ा महंगा है, दूधों से कि जी दूध से महंगा पेट्रोल है कि नहीं? जी सर। हाँ, कितना दूध बेचे छो? 40 रुपया किलो। 40? पेट्रोल कितना खरीद था? 160 रुपया। बाप रे बाप, कौन सस्ता? दूध सस्ता है, पेट्रोल, पेट्रोल बहुत महंगा है। अगर कर्तव्य का निर्वहन करते, चाहे प्रिंस राज हो या इसके पूर्ववर्ती जो भी सांसद विधायक हो, तो आज इस मोहल्ले की स्थिति नहीं होती। ये कंप्लीट फेलियोर ऑफ जनप्रतिनिधि है, कंप्लीट फेलियोर ऑफ जनप्रतिनिधि एज वेल एडमिनिस्ट्रेशन। सब तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, जुगाड़ से लोग इधर निकलते भी हैं, जुगाड़ से लोग एमएलए एमपी सब बन जाते हैं, चाहे किसी भी दल का आदमी हो। प्रशासन चाह ले, प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं है, जिस दिन चाह लेगी उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर और अभी हम मौजूद हैं बिहार के समस्तीपुर। जी हाँ, बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना में एक महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना था। मैं बता दूं कि जल नल योजना उतना सार्थक नहीं हुआ जितना सार्थक इंद्र भगवान का योजना है। विगत कुछ महीने से पानी होने के कारण जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा समस्तीपुर में ही नहीं है, बिहार के कई अन्य जिले में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जो बारिश के पानी से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है। समस्तीपुर पिछले 2 महीने से इस स्थिति को झेल रहा है। हमारे पीछे आप जो पानी देख रहे हैं वह बारिश का पानी है और यह एक पोखरा है जो भर चुका है और इसके इर्द गिर्द जो घर है वो जलमग्न हो चुका है। आप देखिए, सभी के घरों में पानी चला गया है। विधायक हैं श्री अख्तरुल इस्लाम साहिन जी, उनका नीचे एक बोर्ड है, जरा दिखा दीजिए, ये बोर्ड है अख्तरुल इस्लाम साहिन जी का। और साहिन जी यहाँ के विधायक हैं और वो भी एक बार से नहीं, तीसरा टर्म है विधायक जी का यहाँ। लेकिन समस्तीपुर के लिए उन्होंने क्या किया ये समझ में नहीं आता है। समस्तीपुर के एमपी हैं प्रिंस राज, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं। उनका तो लोगों को दर्शन ही नहीं हुआ। बाढ़ एलन की कहिया से बाढ़ एलन? भाग लेती है 10-15 दिन से ऊपर से। बाढ़ मतलब कथी हो? नदी के पानी लेन की? नहीं, नदी के पानी नहीं आले। तो फिर नदी के पानी से बाढ़ आवे छे? अब पता नहीं, अभी ये कहां से पानी आ गेलो पता नहीं। ये तो नहीं छो घर की? कहां घर छ? हमर घर मोहनपुर। ई बच्चा के, छोट बच्चा के लेके कहां घूमे छो? जैसे बैंक।
बच्चा के बैंक लेके हां तो बैंक जाते ओकर गार्जियन लेकर जाते तो केना की कर जाता तो बच्चा पैसा को निकलो बच्चा निकालता है निकालता है तो ओकरा एकरा लेकर नहीं जब केना होता एकरा लेकर काहे के रखते एकरा ई पानी में तबियत खराब हो जाते तो की कर जाए मोहनपुर से लोन पानी कतो कतो छे मोहनपुर हमरा के इधर के धुरो नहीं है एमरे पानी है हां एमरे ई कोन जगह छे ये धर्मपुर है धर्मपुर है मुसापुर है हमें के कह छे धर्मपुर है आ पूरे कह ठीक छे उ मुसापुर कह ठीक ने जा बैंक जा छो कते रुपया निकालबो जाय के बाद अखने हाँ। सोच लो हन 1 लाख रुपया ए तो 1 लाख रुपया का ये बाकी बेकार का लगे एक महीना से कम काम हो चुका है कम हो गया पानी जी बात सही पानी ठीक है ये पानी गरीब के लिए अमीर के लिए कहाँ की स्थिति घर में पानी घुसल घर में नहीं है पानी लेकिन खेत पथर आगे पीछे है खेत में पानी बरसा ले तो रहे सब घुस है वर्षा कहियो नहीं रहते रहे पानी न फसल उसल नष्ट हो गई हमरा सब के फसल उसल न है अच्छा कुछ नहीं है मुखिया जी मुआवजा दल फोन की नहीं है मुखिया जी पैसा उसा दे है तुम की कुछ नहीं दे छथिन तो राशन उसन राशन दे छ जल नल योजना वाला मिला न मिला है लेकिन पानी नहीं आले हम अखन तो पानी नहीं है पानी नहीं इतने पानी चले ले से कहां है बाबा देखियो न बहई क तू ई पानी ले से तू पानी की जरूरत है पानी के की दिक्कत है रोड नहीं है खाना पानी नहीं है एगो राशन तनी सब लाल काट वाला दे छथिन और कुछ नहीं है हमर मजदूरी करे छथिन बेटा दूल्हा सब मजदूरी करे तो सब बंद न है अभी कौन मजदूरी करती अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया तो नहीं ना मिले छे पकवनी उकवनी में कहाँ से काम मिलता है पकवनी को लगन में काम करे छथिन तो कहाँ से सबके मिलते की नाम भला हम अर्शीला देव कतो घर है मुसापुर ये मुसापुर की मुसापुर ये मुसापुर यह मुसापुर की मुसापुर मुसापुर तक तू हेन गज हैया मुसापुर यह मुसापुर मुसापुर पुस्तकालय लगन हमर घर है ठीक जा अभी हम भुईधारा गांव में है यह जो जगह है वह नैया डावर है आप देख सकते हैं जो हम बैठे हुए हैं यह चचरी पुल है यहाँ आबादी कुछ है लोग जल जमाव से बचे इस कारण लोगों ने चचरी पुल बनाया है अपने घर जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी है मेरा चप्पल भी तो फंस गया अंदर में देखिए कितना पानी है ये निशान रहा ये यहाँ का है आगे चले जाएंगे तो और होगा छोटा छोटा बच्चा ये देखिए मछली मारने के लिए बुआ मछली मार रहा है मारा मछली उन्ने जा रहा है अच्छा इस पे देखिए छोटा छोटा जगह छोड़ करके बनाया गया थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो गिर भी सकता है लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए काफ़ी है हमारा चप्पले फंस गया हाँ इस पे चढ़ जाते हैं और कुछ स्थिति से आपको हम अवगत कराते हैं यहाँ पर फिर कुछ लोगों से बात करेंगे अरे बाबा ना आइए पवन जी चलते हैं आइए आपके यहाँ के मुखिया जी कौन है मुखिया जी है पप्पू सा तो मुखिया जी नहीं व्यवस्था करवाए कुछ नहीं मिलने उलने आए क्या नहीं वोट दिए थे तो इतना तो हक बनता है ना मुखिया जी को कहते हैं जब मुखिया जी हम डूबल होती है सुनवाई नहीं लेते हैं तो सुनवाई नहीं लेते हैं तो वोट तो देवे कीजिए फिर हाँ वोट हम खाए ला देंगे नहीं दीजिए अब पंचायतों में नहीं रहे ना अब आप तो नगर वाला आदमी हो गए ना क्या नाम है सुनील कुमार बहन जी बढ़िया बहुत अच्छे हैं अच्छा अच्छा लेकिन आज जो स्थितियाँ हैं इसमें कोई भी आदमी कैसे अच्छा रह सकता है आज तो बड़ी दुर्गति और लोगों के बड़ा भीषण कठिनाई के समय गुजर रहा है लोगों का इस कठिनाई में तो आप भी देख रहे हैं कि लोग कैसे जीवन जीना को जीने को मजबूर हैं आज जो स्थितियां हैं जो बच्चे हैं जिनके घर में महिला
आज वो बहुत भयावह त्रासदी से गुजर रहा है लोग। ये कितने दिनों से गुजर रहे हैं लोग? ये जो फर्स्ट बरसात हुई है लगभग एक महीना से ऊपर से जो है लोग ये जी रहे थे। पहले तो ये पुल भी नहीं था, लोग इसमें गिरते पड़ते लोग जा रहे थे, बच्चे गिरे हैं कई बार, बड़ा हादसा होते होते मतलब बचाया गया है। अच्छा, उससे बचने के लिए लोगों ने ये पुल बना लिया। जी, ये जो समस्तीपुर विधानसभा में आता है और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में भी आता है, तो यहाँ के सांसद विधायक के द्वारा कुछ किया गया है या नहीं, ये बताइए। अभी तक कोई आदमी यहाँ नहीं आए हैं इन लोगों को देखने के लिए, या क्षेत्र में भी, शहर में भी जैसा आप देखते होंगे ये कुंभकर्ण नींद में सोए हुए लोग, जिनको लोगों ने बड़ी आशा से और मतलब विश्वास के साथ ये गरीब लोग जितने लोग गरबा ने जिताया जिस बात के लिए, आज ये स्थितियाँ हैं कि इन किन्हीं लोगों को, एक क्या पूरा गांव का गांव नहीं, शहर को भी देखने वाला कोई नहीं है। लोग विलाप कर रहे हैं, लोग विषम परिस्थिति में है, लोग त्राहिमाम में है। अब इतनी स्थितियाँ खराब है कि हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं इस पानी के कारण, लोगों का मौत हो रहा है इस पानी के कारण, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ये सीधा सुनसान पड़ा हुआ ये क्षेत्र, ना कोई सांसद एक बार भी आए हैं, ना विधायक कोई ये लिया जा रहा है उनके द्वारा कोई भी जो है सहयोग। आज ये स्थितियाँ, प्रशासन भी उसी तरीके से सोई हुई कुंभकर्णी नींद में, और आदमी त्राहिमान, समस्तीपुर का हर आदमी, हर मोहल्ला, शहर, ये तो गांव है शहर भी त्राहिमाम है। लोग जो आज एक दिन का, ये महीने का नहीं है, पिछले साल भी यही स्थितियाँ हुई थी, और लोगों ने जितनी कठिनाई से, जितनी विषम परिस्थिति, जितनी मतलब भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं, ये सोचनीय था लोगों को इमिडिएटली, ये आपात स्थिति है लोगों के लिए, जहाँ की तुरंत निर्णय, तुरंत मतलब आज की जरूरत थी, लोगों को इससे बचने की जरूरत थी। एक भी मौत अगर बच्चे किसी का होता है, गिरता है, पैर हाथ टूटता है, जो बाइक से जाते हैं हम लोग डेली देख रहे हैं, डेली ये घटना हो रही है, कहीं ना कहीं कोई गड्ढा में गिर रहा है पानी के, दिख नहीं रहा है पानी, इतना दांडर भर पानी है, ये घुटने भर पानी है कहीं, और ये लोग डेली गिर रहे हैं, जिससे कि दुर्घटना डेली हो रही है। अंतरात्मा में की आवाज़ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा भी एक ड्रेस कोड होता है जो एक जेंटलमैन प्रोफेशन का होता है, मेरे कुछ लेदर शू रोज पहनना पड़ता है, और शूज हाथ में लेकर करके हाफ किलोमीटर रोड पर जाता हूँ तो चप्पल खोल करके शूज पहनता हूँ, फिर अपने ड्यूटी पर जाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरी अंतरात्मा मतलब कितना दुख पहुँचाती होगी कि मैं जूता हाथ में लेकर करके जाता हूँ, और ये हाल आज डेढ़ महीने से है। ये वर्षा का पानी सड़क पर जब से साइक्लोन आया था उसी वक्त से लगना शुरू हो गया था। इस मेरा पैर पानी में है, अगर जख्म दिखाऊं तो शायद नहीं दिखे, दो जगह पैर कट गया, एक समय तो पता भी नहीं चला कि शीशा से कटा कि सांप काट लिया कि पत्थर से कट गया, क्योंकि पानी में के अंदर पैर रहता है गाड़ी चलाने के बाद। झूठा चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के हमसे ये बात कर रहे हैं, क्या यही बात ना है? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। इन लोगों का एक ड्रेस कोड हुआ करता है, जिस ड्रेस कोड के बिना इनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। बताइए उस वक्त कितनी ग्लानी होती होगी इनको, या ऐसे कई लोगों को जो हाथ में जूता, जो पाँव में पहनने वाला उस जूते को हाथ में लेकर के सज धज के घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता हो, या तौलिया पहन के घर से बाहर निकल करके एक सड़क पर जा करके कपड़ा बदलना पड़ता। देखिए कलेक्टर साहब और देखिए मुख्यमंत्री साहब, आप भी इनके दर्द को, क्या सर? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे दर्द को साझा करने आप इतनी दूर इतनी तकलीफ से आए हैं, सो आपको दिल से धन्यवाद। बच्चे घर में, किसी घर में ट्यूटर नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, एक तो कोरोना काल में स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, जो एक सहारा ट्यूटर का था, जब से पानी लग गया ट्यूटर ने आना छोड़ दिया बच्चे को। साधन नहीं है यहाँ निकलने का, थोड़ा बिना पानी निकासी का रास्ता कैसे बना? यहाँ पे क्या स्थिति, यहाँ पे पहले क्या था, कैसे पानी निकलता? पुल था। अच्छा, पुल से एक के मरते जो है से आदर्श नगर, वो पुल में सब पानी कंट्रैक्ट होके निकल जाता था। अच्छा अच्छा, अब जब ये सब बंद हो गया है। अच्छा, यहाँ यहाँ पे पुल था ना जल निकासी के लिए? ठीक मैडम, इनसे बात कर लेते हैं। भैया सब दिन इनको लेने आते हैं क्या? जी। अच्छा अच्छा,
कैसे हैं मैडम? ठीक है। क्या करते हैं? टीचर हैं। किस विद्यालय में? चीनी मिल में। वहाँ भी तो पानी लगा, फिर कैसे विद्यालय चलता होगा? अब देखिए कैसे चल रहा है सर, वहाँ तो किसी तरह पहुँच जाते हैं, यहाँ देख रहे हैं कितने पानी है सर, बड़ी मुश्किल से अब पूरा मतलब भींग जाएगा, इसलिए इनको बुलाते हैं कि क्या करें जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कितना दिन से ये झेल रहे हैं आप? दो साल से। हाँ, पिछले साल से और ज्यादा इस बार हो गया। इस बार ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, जाने आने में तो बहुत कठिनाई। बड़े अच्छा, बहुत कठिनाई, अंदर भी पानी है, पूरा पानी। अच्छा, इतना सुंदर सुंदर लोग मकान बनाया तो लोगों ने ये सोचा नहीं जो यहाँ रहते हैं और जल निकासी का कोई व्यवस्था करवाया जाए? देखिए लोग क्या सोचेंगे, नाला का जो व्यवस्था है हाँ। वो सरकार की ना व्यवस्था है, जो मकान बन गया, पानी तो हम लोग अपना जो वेस्टेज पानी है उसका अंदर ही व्यवस्था की। अब तो वो भी खत्म हो गया हाँ। वो भी अब फ्लॉप हो गया है, नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके बाद अब क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग हैं बगल के ही हैं, देसुआ पतेली। अच्छा, देसुआ पतेली के रहने वाले, और यहाँ घर बनाए हैं ना? घर बनाया था, सर्विस है तो थोड़ा सा वहाँ से परेशानी हो गई। अच्छा, यहाँ तो और परेशानी। राहत के लिए आए थे लेकिन वो भी नहीं मिला ना? नहीं मिला। आपको भैया मतलब कितने लोगों को ले जाते हैं इस तरह? इन्हीं को हम ले जाते हैं, बस इन्हीं को जी। जिनके पास संसाधन है वो तो चले जाते हैं रिक्शा पे, जाइए। जिनके पास संसाधन नहीं है वो कैसे जाते हैं? ये भी कभी कभी नहीं आते, देखिए मैडम बोल रही है ये भी कभी कभी नहीं आते हैं। आइए, ये तो अभी आए हैं तो ये स्थिति है। सर का कहना है सर के यहाँ रिक्शा वाला पहुँचता नहीं। सर कब से झेल रहे हैं सर? ये करीब करीब अभी एक महीना हो गया। चूक होती है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सड़क जो ये बनना था जी जी, तो ये बना नहीं, मानसून आने के पहले इसको बनाना चाहिए था, मई से पहले बनना चाहिए था। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा इस पर डिमांड हम लोगों ने किया तो कुछ पत्थर वगैरह आकर ईंट उट ला करके रख दिया, इससे और भी सड़क खतरनाक हो गया। इसमें यहाँ देखिए रिक्शा वाले का खतरनाक हो गया। सर वो सड़क बनने से जल निकासी का तो व्यवस्था नहीं होता? उसकी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन कम से कम यह होता कि आदमी सड़क पर मुख्य रूप से चल पाता, घरों में और गलियों में पानी होता। अच्छा, लेकिन सड़क पर लोग तो सेफली चलते, सुरक्षित रूप में चलते, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। सड़क पर बराबर एक्सीडेंट होता रहता है, लोग गिरते रहे हैं, गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले स्कूटी वाले, हम लोगों ने तो स्कूटी बंद ही कर दिया, निकल नहीं सकता। अब कैसे जाते हैं सर इस तरह? पैदल आ रहे हैं यहाँ से, करीब आधा किलोमीटर दूरी इसी तरह से, कहीं पर घुटना वाला पानी है, कहीं उससे थोड़ा कम पानी है, इसी में झेलते हुए पत्थर वगैरह से बचते हुए। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट इनडिफरेंस है, उदासीन है। प्रशासन ने सोचा ही नहीं, पंचायत भी नहीं सोचता है, म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं सोचता है, ये सब म्यूनिसिपल एरिया में आ चुका है। अच्छा, पंचायत ने यही सोचा या ठेकेदार ने यही सोचा कि कुछ पत्थर गिरा दिया। अब तो नगर निगम हो गया सर ना? हाँ, नगर निगम इलाका ये घोषित हो चुका है। तो ऐसा नगर निगम होता है क्या सर? कहीं नहीं है, नाला वगैरह भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहें सरकार को, क्या कहना चाहें ये बताएं? कहना चाहें कि कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर रामनाथ ठाकुर जी का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, दिखा दिया रामनाथ ठाकुर जी का बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, मतलब कि एमपी है यहाँ से, समस्तीपुर के आदमी है, अपना बोर्ड लगा के और वो आराम से दिल्ली रह रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं, या यहाँ के एमएलए हैं। अच्छा अच्छा, कौन है एमएलए आपके? एमएलए आरजेडी के एमएलए हैं, क्या नाम है उनका? अख्तरुल, हाँ अख्तरुल इस्लाम साहिब, हाँ साहिब, तो ये एमएलए हैं। उसके बाद इनके लिए क्या राय है, इनके लिए विधायक जी के विषय में आपका क्या कहना है? हमने देखा नहीं कभी कि इस इलाके की तरफ, हो सकता है उनको लगता हो कि यहाँ मत नहीं मिलता है हमको इस इलाके से। फिर लगातार तीसरे टर्म कैसे विधायक बन गए? बन जाते हैं, सब तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, जुगाड़ से लोग इधर निकलते भी हैं, जुगाड़ से लोग एमएलए एमपी सब बन जाते हैं, चाहे किसी भी दल का आदमी हो। आप समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रोफेसर साहब हैं, तो आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा नीचे से ऊपर तक, तो आप तो कुछ इसमें पहल किया जा सकता है, आपके बच्चे होंगे? हाँ, सभी एक जैसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी दल का आदमी हो। अच्छा, हाँ, एक दो दल ने जैसे भाकपा माले ने इस सवाल को, इस इलाके के सवाल को भी उठाया था। अच्छा, है ना, अखबारों के माध्यम से और ये के, और वो तो जो महागठबंधन है उसी का एक हिस्सा है,
अपोजिशन में है। अब उनकी कितनी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं एनडीए के लोग हैं, यहाँ का जो एमपी है वो कहाँ है? अच्छा, कौन एमपी है? क्या प्रिंस राज? हाँ, प्रिंस राज। अच्छा, वो अभी गए हैं वहाँ, सत्ता पार्टी तोड़ करके गए हैं उधर सत्ता सुख भोगने के लिए। तो वो चिराग पासवान को छोड़ के, तो अब उन लोगों को चाहिए था जो यहाँ रहते, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को प्रिंस राज जी को सुनना चाहिए था, यहाँ के लोगों से मिलते। बहुत सारे यहाँ के अस्थाई निवासी हैं, बहुत लोग उधर, सनिचरा स्थान है उधर जाइएगा तो। अच्छा, उधर हम गए थे सर। हाँ, तो सब जगह वहाँ से काम करने वाली जो महिलाएं आती है उसके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है, उसकी रोजी रोटी तो वही है ना। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता प्रिंस राज मतलब लोगों को दुख देख करके खुद दुखी हो गए, ऐसा भी हो सकता है ना? लोगों का श्राप लग गया क्या? नहीं, दुखी क्या होंगे। तो ना अख्तरुल इस्लाम को कोई फिक्र है, ना रामनाथ ठाकुर जी को कोई फिक्र है। अच्छा, और ना ये प्रिंस राज जी को कोई फिक्र, किसी को कोई मतलब नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मतलब नहीं है, जिला प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को कोई मतलब नहीं है, इलाके के लिए कुछ सोच ही नहीं, कोई सोच नहीं है इस इलाके में, नहीं है पूरे समस्तीपुर की भी ऐसी। हाँ, सब जगह ऐसी स्थिति है, वहाँ बारह पत्थर में जाके देखे ना क्या हालत है वहाँ का। अच्छा, मुखिया जी कभी मिलने उलने आए कि नहीं सर? मैं इस इलाके में पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा है, कहीं किसी से मिलने, किसी से कोई नहीं। अभी हम बात कर रहे थे प्रभात सर से, पी कुमार सर नाम है इनका, और अंग्रेजी के प्रोफेसर है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। क्या क्या क्या? नीतीश के सरकार में यही राज्य होता है। क्या है, नीतीश सरकार को क्यों दोष रहे हैं? नीतीश सरकार पीए क्या है? अच्छा, दारू बंद है, ठीक, दारू बंद करवा दिए। असल अब बोतलवा कहाँ से निकल रहा है? बोतल निकल रहा है, लग रहा है अंडरग्राउंड में बोतल गारा हुआ है। अच्छा, अंदर में फैक्ट्री लगा हुआ है। अच्छा, ये तो पानी वाला बात है ना, तो फिर दारू है तो पानी मिल गया, मिला के पीजिए आराम। अच्छा, दारू है। देखिए, अभी हम मूसापुर पंचायत में ही हैं और देखिए कितना पानी है यहाँ लगा हुआ। पिछली दफा हमने उस बिल्डिंग के इधर गया था, हम लोगों का इतना कम और इतना पानी है दरवाजा। अच्छा अच्छा, इतना, और घर में है इतना पानी। अच्छा, इसीलिए हम आपको ले जा रहे थे जो दिखा दे। अब इससे बेसी हिम्मत नहीं कर रहा हमारा, समझे, सामान हम तो हम। अच्छा, यही से स्थिति बता दिए, क्या स्थिति? हम गरीब आदमी है। अच्छा, सुनिए, हम जात का राम है। अच्छा, और हमारा पोजीशन खराब है, जो हम पोखर पर रह रहे हैं, और मेरा अभी दूगो बाल बच्चा है, सबको दिक्कत है, क्या करें। अच्छा, इंदिरा आवास सर मिला है कि नहीं आपको? इंदिरा आवास नहीं, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। जमीन जत्था है ना? है, जमीन अपना है। अच्छा, घर और नहीं है? घर का नहीं है कोई। तो मुखिया को जो जिताए थे तो उसको नहीं बोले? कह करके हार गए। के है मुखिया जी? ये है सुबोध। अच्छा, सुबोध माए, सुबोध का माए है। कुछ नहीं सोचता? कुछ नहीं सोचता, क्या करे, मजबूरी है। प्रत्येक दिन आपके घर के लोग इतना पानी जाते आते हैं ना? जाता है, चौकी पर खाना बनाता है, लेके आता है तो दुकर खाते हैं, नहीं तो नहीं। चौकी पर खाना बनाता है तो दुकर खाते हैं, ऐसी स्थिति है यहाँ के लोगों। अब देख लीजिए, शहरी क्षेत्र है, रात का प्याज रोटी खा करके तो अब ये शहरी क्षेत्र में आ गया है, और देख लीजिए बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे। हमारे हम लोग यहाँ का नागरिक है। अच्छा, नागरिक है ना? क्या नगर निगम हो गया समस्तीपुर, देखिए स्थिति, ऐसे ऐसे रखे हुए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या करते हैं आप? हम फार्मा में हैं, एज रीजनल मैनेजर। अच्छा, ये जो जल जमाव है किस चीज का है? ये तो अब जल जमाव तो बाढ़ का पानी का ही है। अच्छा, बाढ़ नहीं है? बाढ़ नहीं है, लेकिन मोहल्ला का जो स्थिति आप देख ही रहे हैं। अच्छा, बाढ़ जैसा ही है? बाढ़ जैसा ही है, हीलिंग तो वही हो रहा है। अच्छा अच्छा, क्या लगता है, मतलब कभी अपने आप को कोसते हैं या प्रशासन को कोसते हैं, कैसा लगता है ये बताइए? दोनों को कोसते हैं, प्रशासन को कोसते इसलिए हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, अपने आप को कोसते हैं कि इस जगह पर आके क्यों बस गए, क्यों घर बना लिए। बंद करना ना, पेट्रोल बड़ा महंगा है दूधों से कि जी, दूध से महंगा पेट्रोल है कि नहीं? जी सर। हाँ, कितना दूध बेचे छो? 40 रुपया किलो। 40? पेट्रोल कितना खरीद था? 160 रुपया। बाप रे बाप, कौन सस्ता? दूध सस्ता है। और पेट्रोल? पेट्रोल बहुत महंगा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब की बुझाया था, पेट्रोल बेचते हो की?
पेट्रोल बेचेंगे से सरकार बेचने देगा। अच्छा, सरकार का पेट्रोल उधार बिकता नहीं है, दूध उधार बिकता है। अच्छा, अगर सौ रुपये हम दूध देंगे तो दो महीना उधार भी दे सकते हैं, लेकिन पेट्रोल उधार नहीं मिलेगा, कैश पूरा मिलता है तब देता है। और वहाँ लेने जाना पड़ेगा, यहाँ जाके पहुँचाना पड़ता है ना। यहाँ कहाँ से आते हैं आप ये बताइए? विक्रमपुर बांदेश। बांदेश से आते हैं, और कितना घरों में दूध पहुँचाते होंगे? सर ज़्यादा नहीं देते हैं, 40 से घर 45 घर, लेकिन बहुत दिक्कत है, भर दिन लग जाता है। पहले भी लगता था? पहले तो 12 से 1 बजे घर चल जाते थे। अच्छा, कारण क्या? फट जाता है, कारण यही है कि रास्ता ठीक नहीं है, पानी है, समस्तीपुर में पूरा था पानी है, पानी है, जिधर जाइए पानी है, पानी। अच्छा, बहुत दिक्कत होता है ना। जी सर, अब बताइए दूध बेचते हैं, इनका कहना है जो अब तो शाम हो जाता है दूध बेचने में, और दिक्कत का ही सामना करना पड़ता है पानी के वजह से, जल जाओ। नीतीश सरकार में हर घर नल का जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन ये इंद्र भगवान का जल हर एक घर में पहुंच गया है। आइए यहाँ कुछ और सज्जन उनसे बात करते हैं। एक मोहल्ला बसा हुआ है यहाँ पर, और ये दो तीन ट्यूब यहाँ पे रखा हुआ, जिसके ऊपर चचरी बनाया हुआ है, किसी पे लकड़ी रखा हुआ है, वहाँ एक और है बांस उसमें बंधा हुआ है, और ये देखिए एक पीला एक रस्सी है, मुझे लगता है लोग उसी रस्सी को पकड़ करके बोट के सहारे, मतलब वो क्या कहते हैं ट्यूब से, अपने घर को जाते हैं अंदर लगता है। और लगता अपना अपना ये लोग अपना अपना नाव को इससे बांध करके रखे हैं, जिस तरह नदी के किनारे लोग अपने नाव को बांध के रखता है जो कहीं भंस ना जाए। देखिए, आइए, इसके सहारे कुछ दूर चल के देखे क्या आए? आपको डर लगता है? जब बाढ़ इलाके में हम जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसा ही कुछ नजारा बाढ़ क्षेत्र का भी मिलता है। कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से घर ही है हमारा, नेटिव प्लेस है यहाँ। नेटिव प्लेस है ना? चाचा बोल रहे हैं हमारा नेटिव पैलेस है, तो बताइएगा तो ये जो लगा हुआ पानी बाढ़ आया है क्या? नहीं, बरसाती पानी। बरसात इतना कहीं पानी लगता है? पानी लगता है, निकास बंद हो गया है। कैसे बंद, कहाँ से बंद हो गया? पानी का निकास टीए के नीचे पास, पहले निकास होता था, ये सब बह के आर एन कॉलेज के बगल होके टीए के नीचे चला जाता था। अच्छा, तो वो बंद हो गया है, सब घर बन गया है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, नाला तो छोड़ा कोई नहीं है, इंच इंच भर ले लिया जमीन। हाँ हाँ हाँ, और क्या कहा जाएगा, नाला कोई छोड़ा नहीं है, इन चीज भर जमीन ले लिया है। अब निदान क्या होना चाहिए? निदान होना चाहिए, सर्वे ठीक से करा भी, रोड से नाला निकाल के बड़ा नाला वो जमुआरी में डाल दे, यहाँ दक्षिण साइड में जाके रोडे निकालेगा बड़ा नाला, तभी जाके ये पानी जाएगा, सर्वे कराना होगा। अभी तक जितना भी काम हुआ है नाला का, सब लूट खसोट हुआ है, किसी का लेबर पानी जाना है इधर तय कर दिया, इससे ऊंचा कहीं ऊंचा है नीचा है, सब जगह वही स्थिति है, कहीं भी ठीक नहीं है। सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ है? सिस्टमेटिक काम नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताते, पहले भी पानी लगता था यहाँ पे? पहले पानी तो ये 2 साल से ज्यादा लग रहा है। अच्छा, इसके पहले हल्का पानी लगता था, तालाब पोखरा में चला जाता था। मेरा नाम अरुण कुमार राय हुआ। जी जी, और 5 में जिला परिषद में सदस्य भी रहे। अच्छा, 2005 में? 5 में। इसका सर सरल उपाय है ना कि जमुआरी नदी जो है, हाँ है समस्तीपुर जमुआरी नदी, और वो आखिर ये रेलवे जो है, रेलवे जो पानी निकासी कहाँ करता है, वो भी जाकर महदैया में जमुआरी में ही निकलता है। हाँ, उधर से निकलता है। और आपका ये बम्मा फैक्ट्री से लेके कर्पूरी ग्राम बम्मा फैक्ट्री, हाँ कर्पूरी ग्राम बम्मा फैक्ट्री, वहाँ से अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो धुरलक में भी जाके मिलता है। शहर से कैसे बनाएंगे, शहर के पानी निकासी का कैसे बनाएंगे? इसका दो तरीका है ना सर, एक तो आप जमुआरी में मोहनपुर पुल में जाके आप गिराते हैं। नहीं, मेन नाला कैसे बने, मेन नाला बताइए? रोड के साइड से। अच्छा, रोड से साइड से एक्वायर करना पड़े, सरकार सक्षम है एक्वायर करके, ड्रेनेज टाइप का बना है। अच्छा, और सबको कनेक्ट कर दे एक दूसरे से। ड्रेनेज कैसे बनाएंगे ये भी बता दे, क्या आपके दिमाग में चल रहा है ये बताइए पहले। ड्रेनेज जो है कम से कम रोड से 10-15 फीट नीचे। अच्छा, बड़े बड़े शहर में अभी आपको बता दें कि दरभंगा में बहुत जल जलाव होता था। हाँ। लेकिन पूरा खर्चा जब जल जलाव के ऊपर किया गया
तो आज वो सब ठीक ठाक है। पानी आता है, बारिश होती है, वहाँ तो बाढ़ भी आता है। हमारे यहाँ तो बाढ़ भी नहीं आता, सिर्फ वर्षा के पानी से बाढ़ होता है। ये अच्छी बात है, इन्होंने बताया, पूर्व में पार्षद रहे हैं, इन्होंने कहा है, जो इनका भी अपना एक्सपीरियंस है जो कैसे कैसे निकल सकता है। वैसे सरकार या समस्तीपुर जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे हमको लगता है ध्यान क्यों पड़े, यदि ध्यान पड़ जाएगा तो प्रत्येक साल जो ये उगाही होता है वो नहीं, उराही के द्वारा उगाही जो होता है वो नहीं होगा, हो सकता है इसी कारण है क्या जी? हो सकता है। नहीं नहीं, कुछ बताइए, हम ही बता देंगे तो कैसे? नहीं 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 नहीं, हो सकता है। देखिए, प्रशासन चाह ले, प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं है, जिस दिन चाह लेगी उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, आपके मोहल्ला में कितना पानी होगा, कमर भर पानी या उससे अधिक? हाँ, अभी हमारे ये पड़ोसी है, छेवना कमर और रोड टूटा फूटा हुआ है। पहले ये बताइए, आप करते क्या है? हम तो पंडित जी का काम करते हैं, पूजा पाठ का। जाने आने में बहुत परेशानी होती है, घर के पास है, घर में पानी। किस मोहल्ला में घर है ये बताइए? पुरानी गैस गोदाम मोहल्ला। अच्छा, पुरानी गैस गोदाम है ना जी। कितना पानी लगा हुआ है? मतलब हम बहुत लंबे आदमी हैं, हमको ठेवना ठेवना भर होता है पानी। अच्छा। अभी भी हेल करके साइकिल से आए हैं तो यहाँ पर से चौक पर। हाँ, पिछले साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल था, इस साल भी यही हाल है। बहुत इस साल तो और बुरा हाल है, लोगों को मतलब पलायन कर रहे हैं, बहुत लोग घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हम लोग भी रात में सोचे क्या करें नहीं करें, बाहर जाएं क्या। कहाँ के निवासी हैं? वैसे हमारा घर अंगार घाट पड़ता है, इसी जिला में समस्तीपुर। इस शहर से अच्छा आपका गांव होगा हमारे ख्याल से? बहुत बहुत, हम तो सोचे कि गांव ही चले। शहर से अच्छा गांव होगा, अंगार घाट घर है, यहाँ जल जमाव है शहर में लेकिन गाँव में नहीं है। हमारे साथ एक और बाबा है, क्या नाम है? बहुत पुराने हैं, मूछ बहुत अच्छा, इधर आइए ना, इधर आइए, मूछ बहुत अच्छा है आपका। मतलब मूछ, मतलब कैसे क्या कहते हैं इसको, मूछ हो तो नथुलाल वाली, वो सिनेमा वाला डायलॉग था? नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग ऐसे ही रखे हुए हैं, बचपन से है ऐसी। बचपन में मूछ कहाँ आता है? बचपन में नहीं था, सियाना में हो गया था, रखे हुए हैं। अच्छा, अतन पिछली में धर्मपुरे में है। अच्छा, बथान धर्मपुर में डूबा हुआ है, रह रहे हैं, दिक्कत है सब चीज। यही के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले? यही का रहने वाला, जलम भूमि है। हमने किया, अच्छा, वो घर देवे ने किया, मुखिया जी है, कोई काम नहीं करते हैं। पिछले बार हम गए थे ऐसा ही, क्या कहते हैं, इसी पंचायत में आए थे, मूसापुर पंचायत में, तो लोगों ने बताया था जो मुखिया जी कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, और कई लोगों ने गाली भी दिया। सही बात है, एकदम सही बात है। क्या सही बात है ये बताइए? मुखिया जी कोई काम हम लोगों के लिए नहीं किए। अच्छा, क्या काम होना चाहिए बताइए? रोड रास्ता का लिए व्यवस्था उनको करने के पावर था लेकिन कुछ नहीं किए। अच्छा। कहीं कर देता है? देखिए, हम लोगों का वहाँ सिंगल टावर के नजदीक मेरा घर है। अच्छा। इनका घर है ये थोड़ा सा हट करके। अच्छा। लेकिन हमारा सुनिए ना, हमारा दरवाजा पर इतना है, घर में इतना पानी है। अच्छा। क्या करें हम, क्या करते हैं आप? मजबूरी, मजदूरी करके खाते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं, और क्या करें। अच्छा, यहाँ स्कूल में आप लोग बसेरे डाले? पानी घेर करके रह रहे हैं। स्कूल वाला ही फिल्म है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदेव राम। अच्छा, बहुत लोगों से हमने बात किया है, मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया व अन्य वे सदस्य जिन्हें जनता अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए वोट देकर जिताती है, और जीतने के बाद उन्हीं को भूल कर सत्ता का सुख भोग कर रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधि को जनता कभी माफ नहीं करेगी। याद रखिएगा, मैं आपको इस तरह की खबर दिखाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।